यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में कई दलों के बड़े नेताओं ने चुनावी प्रचार किया और इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी के प्रचार की कमान संभालते हुए गाजियाबाद में कविनगर स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीएसपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की गई। इस जनसभा के जरिए मायावती ने मेरठ मंडल की सभी 28 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में धर्म के नाम पर तनाव और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियां और कार्यशैली ज्यादातर जातिवाद, पूंजीवादी और संघ के संकीर्ण नजरिए को लागू करने पर टिकी रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और एसपी पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी दल लोगों को रोजगार देने में विफल रहे हैं। आज लेंगे गंगा एक्सप्रेस वे आदि परियोजनाओं के द्वारा यूपी में रोजगार के विकास को नया आयाम दे रही थी जब बीएसपी थी सरकार, आप लोगों को मालूम है। लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय की हमने हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, जेवर एयरपोर्ट बनाने का भी, एविएशन हब का भी, और ये बलिया तक आठ लेन की जो गंगा एक्सप्रेस वे वो भी सब पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा प्रारूप तैयार हो गया था। लेकिन इनकी पूरी तैयारी के बावजूद भी उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, हमने उधर फाइल भेजी लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा लगाकर तो इन कामों को नहीं होने दिया। हमारा सहयोग करने की बजाय असहयोग का कार्य किया पहले सपा, ये अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के बाद हमारी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो गई उसके बाद सपा पावर में आई, बीजेपी पावर में आई, पहले सपा और वह अब भाजपा सरकार का कार्यकाल गुजरने के लगभग एक दशक बाद इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, केवल शिलान्यास हुआ है, जबकि विकास के ऐसे कामों को समय से शुरू होकर अब तक पूरा भी हो जाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, देर आए दुरुस्त आए, ये लाइन फिट बैठती है बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर। बीएसपी सुप्रीमो गाजियाबाद में आज पहुंची है, कल वो आगरा में थी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से छह दिन पहले जिस प्रकार से गाजियाबाद में आई है वो अपने वोटरों को साधने के लिए है, साथ ही मुस्लिम वोटरों को भी वो साधना चाहती है, क्योंकि एक उनका जो कैडर है करीब 30% की आबादी गाजियाबाद में उन कैडर की है, और साथ ही अगर यदि मुस्लिम उनको मिल जाता है तो क्योंकि 2012 में जिस प्रकार से गाजियाबाद में 5 में से 4 विधानसभा वो जीत कर पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है 2017 में आते आते बीएसपी शून्य हो गई थी, लेकिन अब 22 का माहौल अलग है और इसी वजह से मायावती गाजियाबाद में आए और सभी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के साथ में गाजियाबाद के कविनगर स्थित रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और वहीं से ही जो मैसेज दिया है उसे देखने सुनने के लिए जो उनके जो कैडर वोटर हैं और साथ ही जो समर्थक है उनमें बड़ा उत्साह रहा और कहीं इसी बात को लेकर उन्होंने सपा हो, बसपा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब पे निशाना साधा। लेकिन देखने वाली बात होगी किस प्रकार का उनको जो भाषण है वो 10 फरवरी में कन्वर्ट हो पाएगा, उसका रिजल्ट 10 मार्च को आ जाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव से छह दिन पहले जिस प्रकार से गाजियाबाद में आकर एक सभा को संबोधित करती है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी इस बात को लेकर उत्साहित है कि क्योंकि जिस प्रकार से बसपा नदारद नजर आ रही थी गाजियाबाद में, लेकिन अब एकाएक सर्द मौसम में जो गरमाई है वो साफ देखी बिल्कुल दीपक, और देखिए उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं एक जोश भी भरता हुआ नजर आ रहा है, इसे कॉन्फिडेंट ही कहेंगे मायावती का, कि वो जानती है कि उनके जो कैडर वोटर है वो कहीं नहीं जाएंगे, उनका विश्वास है उन पर और इसीलिए शायद वो 6 दिन पहले एक्टिव हुई है। देखिए बिल्कुल, कैडर वोट स्पष्ट है कि जब से बीएसपी का गठन हुआ है कैडर वोट मजबूत रहा, लेकिन बीजेपी ने इसमें सेंध लगाए थे और जिसकी वजह से एक सरकार बनी थी, लेकिन अब 2022 का मैंने पहली बताया 2022 का माहौल अलग है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या कैडर वोट बीएसपी पे जाएंगे, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनको मुस्लिम साधना होगा, लेकिन मुस्लिम यदि बीएसपी को मिलता है तो कहीं ना कहीं मजबूती बीएसपी की जरूर होगी, लेकिन इस बार मुस्लिम कहां जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कल भी गाजियाबाद में रालोद के अध्यक्ष और साथ ही समाजवादी के अध्यक्ष दोनों के दोनों बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 22 की समीकरण थोड़ी अलग है,
हैं, चुनावी समीकरणें क्या कुछ कहती हैं ये 10 मार्च पता चल जाएगा फिलहाल। लेकिन आज जिस तरह से गाजियाबाद में जनसभा की है यहाँ पर मायावती ने, और कैसे वो 6 दिन पहले एक्टिव हुई हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें एक कॉन्फिडेंस है कि जो उनके कैडर वोटर हैं वो विश्वास में है, उन्हें विश्वास है कि उनका जो वोट है वो कहीं जाने वाला नहीं है आने वाले 2022 के इस रिजल्ट में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक आपका पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए।